OLED डिस्प्ले बजट फोन्स के अंदर एक नया नॉर्मल होने जा रहा है। मोटो G52 के लॉन्च होने के बाद तो कुछ ऐसा ही लगता है। पी ओलेड डिस्प्ले क्या है, इसके ऊपर बात करने से पहले ये जानते हैं कि एम ओलेड डिस्प्ले क्या होता है, या फिर ओलेड डिस्प्ले की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं पी ओलेड डिस्प्ले के ऊपर। ओलेड पैनल बना होता है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड से, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो जलते हैं तब जब उसके अंदर करंट सप्लाई दिया जाता है। और एक पिक्सल के अंदर सब पिक्सल होते हैं जो कि आरजीबी होता है, यानी कि एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। आप में से शायद ये बहुतों को पता होगा कि ये तीन कलर से मिलके ही सारे कलर बनते हैं। अब क्योंकि ये डिस्प्ले के लिए तो यहाँ पे आरजीबी यूज होता है, अगर ये प्रिंटिंग के लिए होता तो यहाँ पे CMYK यूज होता है। आरजीबी यहाँ पे होता है एडिटिव कलर मिक्सिंग और CMYK यहाँ पे होता है सब्ट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग। खैर ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है। अगर बात कर ले ओलेड पैनल की, तो यहाँ पे जो लाइट एमिटर है उसे ऑफ किया जा सकता है, लेकिन एलसीडी पैनल के अंदर ऐसा होता नहीं है, और इसीलिए वहां पे बैक पैनल में आपको बैक लाइट भी रहता है, बैक लिट पैनल आपको वहां पे देखने को मिलता है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, और यही वजह होता है कि ओलेड पैनल के अंदर आपको जो ब्लैक कलर है वो आपको ज्यादा ब्लैक देखने को मिलता है, या फिर कह ले तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको ओलेड पैनल के अंदर ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आप दो इमेज देख रहे हैं, आप किसके अंदर बेहतर तरीके से पढ़ पा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है दाएं वाले की तरफ, आपके तरफ से दाएं वाले की तरफ, क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा है। तो ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पर था ताकि आप ये समझ सके कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है। थोड़ा चलते हैं पीछे, बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो जलते हैं तब जब उसके अंदर करंट सप्लाई दिया जाता है। मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो भी डायोड्स हैं उसके अंदर करंट देने से ये जलते हैं। ये जलना जेलस वाला नहीं है, ये एक्चुअल में लाइट एमिट करते हैं। और यहाँ पे करंट देने के दो तरीके होते हैं, एक तो पैसिव और दूसरा एक्टिव। और पैसिव को यहाँ पे पैसिव वायरिंग, पैसिव मैट्रिक्स, और एक्टिव को भी यहाँ पे एक्टिव वायरिंग और एक्टिव मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर बात करें यहाँ पे पैसिव मैट्रिक्स की, तो इस पैनल के अंदर जो एड्रेसिंग स्कीम होती है वो आपको रो कॉलम वाली होती है, जो कि आपको एलसीडी के अंदर देखने को मिलता है, और ये इनहेरिट भी वहीं से हुआ है। और जहां भी डिस्प्ले का साइज 3 इंच से कम होता है, या फिर कोई भी ऐसा डिस्प्ले जहां पे कि मोनोक्रोमिक कलर को यूज में लिया जाता है, वहां पे पीएम ओलेड डिस्प्ले को यूज में लिया जाता है, क्योंकि ये पावर एफिशिएंट नहीं है। और आप जो यहां पे गेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहां पे पीएम ओलेड, यहां पे पीएम पैसिव मैट्रिक्स, और एम ओलेड के अंदर एएम जो है वो आपको एक्टिव मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर बात कर ले एक्टिव मैट्रिक्स ओलेड डिस्प्ले की, तो इसके अंदर TFT लगा हुआ होता है, और यहां पे ईच पिक्सल को ड्राइव किया जा सकता है, वो भी इंडिविजुअली, और इसी एक्टिव मैट्रिक्स को बोला जाता है एम ओलेड, और सैमसंग इसका धड़ल्ले से यूज करता है। अब आते हैं पी ओलेड की तरफ। तो यहाँ पे पी जो है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो ओलेड डिस्प्ले के अंदर ग्लास सबस्ट्रेट को यूज किया जाता है, वहां पे उस ग्लास को हटा के वहां पे प्लास्टिक लगा दिया गया। तो यहाँ पे पी ओलेड के अंदर पी का मतलब प्लास्टिक ही है। अब क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक यूज होता है, इसलिए आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग फॉर्म फैक्टर देखने को मिल सकता है। साथ में जो उसका पैनल है वो आपको पतला से पतला हो सकता है, और साथ में प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है। आप में से तो हर किसी को ये पता होगा, जैसे कि सैमसंग ने एमोलेड को पकड़ रखा है, रेटिना डिस्प्ले एप्पल ने पकड़ रखा है, ठीक ऐसा ही यहाँ पे LG यहाँ पे पी ओलेड नाम को बहुत ज्यादा यूज करती है। और आने वाले समय में EV जो है, EV के अंदर आपको पी ओलेड डिस्प्ले काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, चाहे वो मर्सिडीज हो या फिर कोई बजट फ्रेंडली या फिर बजट रेंज के अंदर कोई भी EV अगर लॉन्च होता है आने वाले समय में, तो वहां पे भी आपको पी ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में तो ये दिखेगा ही। और यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें, ये जो प्लास्टिक है ये थोड़ा डिफरेंट होता है ताकि वो टेम्परेचर को झेल सके, और हल्की भी गर्मी अगर फोन के अंदर होती है तो डिस्प्ले आपका आपके हाथों में ही नहीं पिघल जाए, इस बात का भी ध्यान रखता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कि ध्यान में रख के यहाँ पे प्लास्टिक को लगाया जाता है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इस प्लास्टिक्स को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस ऑलरेडी काफी ज्यादा बोरिंग होते हैं, मुझे पता है। इन वीडियोस को वही देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं टेक में। तो अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करें, अगर कमेंट बहुत ज्यादा आएंगे तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power.